हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाते हैं उसका प्रोसीजर करके दिखाऊंगी। एंड फ्रेंड्स, इंजेक्शन लगाने से पहले आप अच्छे से हैंड वॉश कर लें। आर्टिकल जो भी आपको चाहिए इंजेक्शन लगाने के लिए उसे रेडी करके रख लें, जैसे कि इंजेक्शन फिल्ड विद मेडिकेशन, अल्कोहल स्वैब, स्पिरिटेड कॉटन एक्सेट्रा इफ़ नीडेड, और फ्रेंड्स ग्लव्स भी पहन लें। नाउ फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स सी हाउ टू एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने जो एरिया चूज़ किया है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए वो वेंट्रोग्लूटियल मसल पे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे पहले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने से पहले आपको एक बार साइट बता दूँ कि हम साइट कैसे पता करेंगे कि वेंट्रोग्लूटियल मसल पे कौन सी साइट पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। तो आपको वेंट्रोग्लूटियल मसल पे सबसे पहले आपका ग्रेटर ट्रोकेंडर फील करना है, ठीक है, जो कि हमारा फीमर बोन लॉन्ग बोन का टॉप पोर्शन होता है। उसके बाद आपको एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन फाइंड करना है। ये सब फाइंड आउट करने के बाद में अपने पाम को ग्रेटर ट्रोकेंडर के ऊपर इस तरीके से रख देंगे, ठीक है, और अपने इंडेक्स फिंगर को एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर रखेंगे, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अंगूठा है वो लेग की तरफ हो। अब अपने मिडिल फिंगर को पीछे की ओर स्प्रेड कर देंगे। अब आपका जो ये वी शेप का एरिया है, यही वो जगह होगा जहाँ पे आपको वेंट्रोग्लूटियल मसल पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस तरीके से देंगे इस वेंट्रोग्लूटियल मसल पे। इंजेक्शन देने से पहले ये एरिया को विजुअलाइज कर लीजिए, याद रख लीजिए। एरिया विजुअलाइज करने के बाद में अल्कोहल स्वैब लेंगे। आप स्पिरिटेड कॉटन है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अल्कोहल स्वैब से जिस एरिया पे आपको इंजेक्शन देना है उसको रोटेटेड मोशन में अंदर से बाहर की ओर इस तरीके से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद में कुछ समय तक सूखने देंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि वो एरिया को टच ना करें। अब एरिया सूखने के बाद में आपको इंजेक्शन लेना है जिसमें आपने मेडिकेशन फिल करके रखा है, उसकी कैप को सेफ्टी से रिमूव कर देंगे। अब आपको एरिया पे इंजेक्शन देना है, तो आप इस तरीके से वहाँ की मसल्स को ग्रैब कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट इंजेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इस एरिया पे इंजेक्शन देना है। अब इंजेक्शन देने के लिए इंजेक्शन को 90 डिग्री पे रखेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखें कि हमारा इंजेक्शन 90 डिग्री पे ही लगेगा। अब 90 डिग्री पे रखेंगे और डायरेक्ट स्किन में इस तरीके से पंच कर देंगे, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे अपने इंजेक्शन को, और फिर पीछे की तरफ प्लंगर को खींच के देखेंगे कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड नहीं आ रहा है, और अब अपना इंजेक्शन आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद प्लंगर को धीरे धीरे आगे की ओर दबाकर मेडिकेशन देंगे। मेडिकेशन देने के बाद में आपको अपने इंजेक्शन को रिमूव कर देना है, और वहाँ पर कॉटन इस तरीके से दबा के रख देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टाइप्स और प्रोसीजर टू आइडेंटिफाइंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट अपलोड करके रखा हुआ है। आप प्लीज़ जाइए और उसे चेकआउट कीजिए एक बार, ताकि आपके डाउट्स अगर कुछ भी हैं तो वो क्लियर हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट मोर नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।